So friends, welcome back to my channel. My name is Prince and you are watching a new report on Wrestle Reporter. तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए एक बड़ी अपडेट है नेक्स्ट वीक होने वाले रॉ को लेकर। न्यू ईयर के होने वाले पहले रॉ को लेकर एक बड़े मैच की अनाउंसमेंट की गई है जहां रोमन रेंस अपना टाइटल डिफेंड करते हुए दिखाई देंगे और इतना ही नहीं इस मैच में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को लेकर एक बड़ी शर्त भी रखी गई है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को याद होगा कि लास्ट वीक हुए रॉ में रोमन रेंस ने समोआ जो से अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप डिफेंड करी थी जिसमें कि रेफरी के रूल्स को ना फॉलो करने की वजह से रोमन रेंस को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। तो कर्ट एंगल ने नेक्स्ट वीक होने वाले रॉ के लिए इस मैच को लेकर एक रीमैच अनाउंस किया है और इतना ही नहीं इस मैच में कर्ट एंगल ने यह भी अनाउंस किया है कि इस मैच में एक शर्त भी एडेड होगी कि अगर रोमन रेंस इस बार किसी भी वजह से डिस्क्वालिफिकेशन से हारते हैं तो अपना टाइटल हार जाएंगे। नॉर्मली अगर कोई रेसलर मैच में डिस्क्वालिफिकेशन से मैच हारता है तो वो अपना टाइटल रिटेन कर लेता है, पर इस मैच में अगर रोमन रेंस डिस्क्वालिफिकेशन से हारते हैं तो वो अपना टाइटल भी हार जाएंगे क्योंकि डीन एम्ब्रोस के इंजर्ड होने की वजह से रोमन रेंस काफी गुस्से में थे। तो लास्ट वीक उन्होंने रेफरी की बात नहीं सुनते हुए समोआ जो पे अपना गुस्सा उतारते रहे। इतना ही नहीं जब रोमन रेंस को रेफरी ने रोकने की कोशिश की तो ये देखा गया कि रोमन रेंस ने रेफरी को धक्का देके हटा दिया। रोमन रेंस की इसी हरकत की वजह से उन्हें उस मैच में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था और इतना ही नहीं बाद में उन्हें इसके लिए फाइन भी भरना पड़ा था। तो अब रोमन रेंस समोआ जो से एक ऐसे मैच में लड़ते हुए दिखाई देंगे जहां वो अगर अपने टाइटल को डिस्क्वालिफिकेशन से भी हारते हैं तो समोआ जो बन जाएंगे न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। तो फ्रेंड्स ये थी इस वीडियो में नेक्स्ट वीक होने वाले रॉ को लेकर एक बड़ी अपडेट। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर दीजिए, साथ ही कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और ऐसे ही न्यूज़ और रूमर्स अपडेट पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में।